अब क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के ऊपर होल पावर टू है, तो इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसी को हम अप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी और डी एक्स। अब मैंने क्या किया, होल पावर को एक्सपेंड कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, यहां पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास रह जाएगा यहां पर एक्स प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस ये टू मल्टीप्लाई वन, टू वन जर टू अंडर द रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे इनको, इंटीग्रेट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट वन डी एक्स प्लस टू, इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे अंडर द रूट एक्स, अंडर द रूट को मैं पावर में वन ओवर टू लिख देता हूँ डी एक्स। अब यहाँ पर रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर पावर वन है तो पावर को इग्नोर करके एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स आता है, साथ में मौजूद है पावर रूल अप्लाई होगा, एक्स पावर वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन प्लस, यहाँ पर वन लिखने की ज़रूरत नहीं है तो इंटीग्रल डी एक्स के साथ डायरेक्टली कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा एक्स रह जाएगा हमारे पास प्लस टू। नेक्स्ट देखें, एक्स पावर इग्नोर किया, इसका डिफरेंशियल डी एक्स साथ में मौजूद है तो पावर रूल अप्लाई हो सकता है, तो एक्स पावर वन ओवर टू प्लस वन ओवर वन ओवर टू प्लस वन, अब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो एक्स पावर टू प्लस ओवर टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स पावर, इनकी पावर्स को हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा थ्री ओवर टू ओवर थ्री ओवर टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस एक्स प्लस टू, अब ये थ्री ओवर टू को उलट करके लिखेंगे टू ओवर थ्री एक्स पावर थ्री ओवर टू प्लस सी, तो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स प्लस, अब ये टू और ये टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फोर ओवर थ्री एक्स पावर थ्री ओवर टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है।